देखिए आए दिन हमारे यहाँ पे सांबा चौक में बहुत बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। जैसा कि रात को भी एक हादसा हुआ है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। कई बार हमारी डिमांड रही है कि यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो इंस्टॉल की जाएं, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जो सरकार है वो क्या किस लिए रुक रही है, क्या सोच रहे हैं। इतने बड़े बड़े हादसे जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं रोज आए दिन, यहाँ पे कभी ट्रॉला लग रहा है, कभी बसों का एक्सीडेंट हो रहा है, छोटे मोटे एक्सीडेंट ये लग रहा है, कभी बसों का एक्सीडेंट हो रहा है, छोटे मोटे एक्सीडेंट ये देखिए यहाँ से लोगों का निकलना कितना मुश्किल है। देखिए किस तरह से ये लोग निकल रहे हैं, इन लोगों को निकलने में कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है। हर उतनी परेशानी ही जो ऊपर से गाड़ी आएगी स्पीड में उसको आती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, एलजी जम्मू कश्मीर जो हमारे यहाँ पे आए थे लेकिन हम लोगों को उनके साथ नहीं मिलाया गया। हमने उनके आगे भी ये हमारी जो मेन डिमांड है डिस्ट्रिक्ट सांबा की रखनी थी, जहाँ तो ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल की जाए, अगर वो नहीं कर सकते तो एक फुटब्रिज यहाँ पे बनाया जाए जिससे आने जाने वाले लोगों को दिक्कत परेशानी हो। बॉर्डर पूरा एरिया हमारा जो जहाँ से आता है, लोग हॉस्पिटल में जाने के लिए आते हैं, आगे ही बीमार होते हैं, एक और हादसा यहाँ पे न्योता दे रहा होता है। हमारे एलजी जम्मू कश्मीर डीसी सांबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ पे मेन चौक में या तो ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल की जाए, अदरवाइज फुटब्रिज बनाया जाए, नहीं तो कोई बड़ा बहुत बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पे आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे समस्या दिन ब दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट की बढ़ती जा रही है। रश बढ़ रहा है, गाड़ियाँ जो है उनका कंट्रोल होना मुश्किल होता है, ऊपर से ढलाई है, सीधे ढलाई में जब गाड़ियाँ आती हैं कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो हमारी एलजी जम्मू कश्मीर और डीसी सांबा से रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर खास ध्यान देकर यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ ट्रैफिक लाइट इंस्टॉल की जाए, अदरवाइज फुट ब्रिज बनाया जाए, लोगों को सहूलियत दी जाए, ना कि लोगों को यहाँ पे परेशान किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, परेशानी यहाँ पे हमें आ रही है चौक क्रॉस करने की। सबसे पहले मतलब मेरे जो कजन्स हैं या छोटे बच्चे जिनको मुझे छोड़ने जाना पड़ता है, पैदल जाना हो तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है यहाँ से चौक क्रॉस करना, तो बच्चों के लिए आप देख ही सकते हो मतलब। और ये चौक जो है इन्होंने बंद कर दिया हुआ है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्टेप लिया था उस टाइम थोड़ा सा मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए, बट हम देखें कि ये परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है कि एक चौक को बंद कर दिया। परमानेंट सोल्यूशन हमें होना चाहिए, या तो ट्रैफिक लाइट लगवा दो, या तो फुट ओवर ब्रिज बनवा दिया जाए। ये तो आप चौक बंद करके मतलब व्यापार, आपने यहाँ का बॉर्डर रोड का और मेन मार्केट का व्यापार ख़त्म कर दिया। बच्चों के लिए परेशानी ये है कि रोड क्रॉस कर नहीं सकते। मैं भी अगर बोलूँ 25+ ईयर हूँ, बट मैं यहाँ से चौक क्रॉस करने के लिए मुझे खुद डर लगता है कि यहाँ पे एक ट्रैफिक का मतलब ट्रैफिक का कोई मैनेज नहीं है। ऊपर से आप देख लो हाईवे पे जो गाड़ियाँ आ रही हैं, इनमें कोई सिग्नल कोई यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ है कि आगे मेन चौक है तो यहाँ पे गाड़ी धीरे करनी है, जब कोई सिग्नल साइन बोर्ड कुछ है। तो इसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से डीसी साहब से यही हम गुजारिश करते हैं कि आप यहाँ पे कम से कम स्पीड ब्रेकर तो हाईवे पे खैर नहीं हो सकते, ट्रैफिक लाइट लगा दो, फुट ओवर ब्रिज बना दो, अंडरपास ब्रिज कोई भी बनवा दो, बट यहाँ पे ट्रैफिक मैनेज जो है वो कर दीजिए किसी भी तरह से।